ये वाला सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनादर by a virus called as bacteriophage. So students, transduction एक ऐसा process होता है जिसमें transfer of DNA होता है एक bacterium से दूसरे bacterium के through by with help of a virus जिसे हम कहते हैं bacteriophage. अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या steps होते हैं जो होते हैं इस प्रोसेस में, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए स्टेप वाइज इसमें क्या होता है. कंसिडर दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. ओके स्टूडेंट्स, ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए, ठीक है. दिस इज अ बैक्टीरियल सेल एंड दिस इज बैक्टीरियल डीएनए. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो इसके ऊपर अटैक करता है और अटैच हो जाता है इसके साथ, ठीक है. पहला स्टेज जो इसका होता है, बैक्टीरियोफेज अटैक्स द होस्ट सेल एंड पहला स्टेप होता है बैक्टीरिया, ये जो होता है बैक्टीरियोफेज, इट अटैक्स द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल को अटैक करता है. सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट, जो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो इसके अंदर चला जाता है ऐसे, यहाँ पे छोटा सा सुराख करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. उससे फिर छोटा सा सुराख हो जाता है और ये सुराख वापस बंद हो जाता है. सो अब बैक्टीरियल सेल के अंदर दो किस्म के डीएनए हैं, एक वायरल डीएनए है और एक बैक्टीरियल डीएनए है, और फिर इसका काम खत्म हो जाता है. थर्ड स्टेज पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ये वायरल डीएनए होता है इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग विद द बैक्टीरियल डीएनए. फॉर एग्जांपल, वायरल डीएनए की शेप ऐसे है और बैक्टीरियल की स्ट्रेट है, तो क्या होता है ये इसके साथ मिक्स हो जाता है और बैक्टीरियल डीएनए को कंफ्यूजन होता है मेरा कौन सा है और वायरस का कौन सा है, उस चक्कर में वो रेप्लिकेट करता है दोनों डीएनए को, जिसकी वजह से अनअर्थ डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है और फिर नए बैक्टीरियोफेज पार्टिकुलेट्स जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं. लाइक द इनसाइड कंडीशन ऑफ द सेल इज लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल सिंथेसाइजेस न्यू फजेस, बैक्टीरियल फजेस जो होते हैं उन्हें, दैट इनकॉर्पोरेट डीएनए एंड मिस्टेकनली सम ऑफ होस्ट डीएनए. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अंदर सेल में इतना ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाता है कि सेल की लिसेज हो जाती है. ठीक है, सेल के अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ वायरसेस बढ़ जाते हैं कि सेल फट जाती है और ये वायरसेस जो है वो बाहर निकल आते हैं, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है. मैं एक बार फिर एक क्विक रिविजन करूँगी ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें. ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसफर. Transduction is the process of DNA transfer from one bacterium to another, okay? Mediated by a virus called as bacteriophage. ठीक है स्टूडेंट, the recipient cell of the transduction process is called as transduct. इसमें जो phases होते हैं, step-wise phases होते हैं, पहले stage में bacteriophage attacks the host cell and injects its DNA. फिर बैक्टीरियोफेज डीएनए दैट मेक्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम दैट डिग्रेड्स द होस्ट डीएनए. ओके,
फिर न्यू बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज, ईच हैविंग बैक्टीरियोफेज डीएनए एंड फ्यू विद द होस्ट्स, ओके। फिर ये ट्रांसडक्टफेज अटैक्स अनदर बैक्टीरियल सेल एंड इंजेक्ट्स द डोनर्स डीएनए, और अल्टीमेटली द डोनर डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड, और जो अल्टीमेटली सेल में इतने ज्यादा डीएनए फजेस हो जाते हैं कि सेल फट जाते हैं, सेल लिसिस होती है और ये फजेस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। थैंक यू।